हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज का वीडियो होने वाला है एक ब्यूटी हॉल। सो मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जो कि मेकअप में बिगनर्स है और वो मेकअप करना सीख रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट्स है बेसिक प्रोडक्ट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सो गाइज, ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने खरीदे हैं वो अमेजोन से मैंने परचेज किए हैं। इन सब की जो परचेज लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप मेकअप सीख रहे हैं और मेकअप में बिगनर है तो आपके पास में ये प्रोडक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी जो मेकअप की स्किल्स है ये पहले से ही आप थोड़े प्रो दिखोगे। तो बजट में भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो मैं बात कर रही हूँ इस कंसीलर पैलेट की जो कि है इनसाइड मेकअप एसेंशियल का इनसाइड प्रो कंसीलर पैलेट। टोटल 6 शेड आपको इसमें मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुआ था और बैक साइड में इसके बारे में टोटल आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पे आपको कंसीलर, करेक्टर, कॉन्टोर सब मिल जाता है एक ही पैलेट में, कम दाम में है। आपको मैं एंड में बताने ही वाली हूँ ये कितने में मैंने इसे खरीदा है। सो इसके पैकेजिंग में पीछे हम देखते हैं तो आपको पूरे 3 इयर्स की शेल्फ लाइफ मिलने वाली है और 199 इसका MRP दिया हुआ है। पर अगर आप इसे कोई भी सेल में खरीदते हैं सो ये आपको 180 तक के आराम से मिल जाता है। तो इतने कम में आपको इतना अच्छा कंसीलर पैलेट मिलने वाला है। अभी जो मैंने मेकअप किया है मैंने इसी से अपने अंडर आईज को कंसील किया है इसी कंसीलर पैलेट का यूज करके। सो इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है ये 15 ग्राम्स में आपको मिलेगा। सो कुछ इस तरीके से ये आपको मिल जाएगा। इसे ओपन करते हैं हम तो आपको यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर मिल जाएगा। अगर आपकी अंडर आईज ब्राउन टोन में है तो बहुत अच्छी तरीके से ये कंसील करता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप मेकअप में बिगनर है तो कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपके पास में होना ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना हमारी मेकअप को बहुत परफेक्ट करते हैं। जो भी अगर आपको यहाँ क्रीज एरिया में प्रॉब्लम होता है, पैची सा होता है, तो आई थिंक ये जो क्लेम कर रहा है इसके बॉक्स में लिखा हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे ना बारकोड का स्टिकर स्टिक हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बट मुझे एक इसमें फर्स्ट लाइन में इसकी पढ़ पा रही हूँ, कंसील, करेक्ट, कॉन्टोर, वाटरप्रूफ एंड क्रीज रेजिस्टेंस है। और यस, आप देख सकते हो मैंने जिस तरीके से इसका यूज किया है ना, बिल्कुल भी क्रीज लाइन नहीं आई है। बहुत अच्छी तरीके से इसने डार्क सर्कल को बहुत अच्छी तरीके से इसने हाइड किया, आप देख सकते हो। सो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। काफी इसकी क्रीमी कंसिस्टेंसी है। मैं आपको इसके कुछ पैचेस दिखाती हूँ, आप देख सकते हो क्रीमी कंसिस्टेंसी है। ये शेड जो है आप इसे एज अ कॉन्टोर भी यूज कर सकते हो। आप अपने अंडरटोन के हिसाब से भी इसे डार्क स्पॉट्स को हाइड करने के लिए भी यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा 6 शेड इनफ है हमारे इंडियन स्किन टोन के लिए। सो इसका जो प्राइस है 199 है, आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। इसे यूज करने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो रहा है। फिंगर के हेल्प से ही मैंने ब्लेंड किया है, किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश का मैंने यूज़ नहीं किया है। बहुत अच्छी तरीके से इसने मेरे डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल को बहुत अच्छी तरीके से इसने हाइड किया है। 199 में इतना अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है या फिर सेल में आपको इससे भी कम प्राइस में मिल जाएगा, तो ये प्रोडक्ट को आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए। इसका परचेस लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जिसके लिए मैं बिग थम्स अप करती हूँ। आप इसे जरूर 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 एक बार खरीदिए अगर आप मेकअप लवर है। तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है गाइस। सबसे पहले प्रोडक्ट में हमने हमारे डार्क सर्कल को हाइड किया था, कंसील किया था कंसीलर के हेल्प से। नेक्स्ट हम हमारे आई मेकअप की ओर आते हैं। तो आई मेकअप में हम आई शेडो अब यूज करते हैं। तो मैंने आई शेडो के लिए स्विस ब्यूटी के लिक्विड आई शेडोज मंगवाए हैं। ये बहुत ही प्यारे आई शेडो है, लिक्विड आई शेडोज है ये। स्विस ब्यूटी के आई शेडो लिक्विड आई शेडोज है। इसमें से मैंने 4 शेड ऑर्डर किए थे। चारों के चारों शेड बहुत ही औसम है। और आप मेरा आई मेकअप देख सकते हो, करंटली मैंने सिल्वर कलर का इसका 02 शेड का यूज करके
कट क्रीज किया है सिल्वर कलर से, आप देख सकते हो काफी प्यारा, काफी पिगमेंटेड ये आई शेडो, लिक्विड आई शेडो से स्विस ब्यूटी की, क्योंकि स्विस ब्यूटी इनसाइट ये सारे जो ब्रांड्स है ना ये अब बहुत ही बॉम करते हैं इंडियन ब्रांड से, ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे हैं। तो मैंने इसमें आपको बता देती हूँ चार शेड कौन से मंगवाया है। 01 एक शेड है गोल्ड गॉडेस, ये गोल्डन शेड में आता है, यू कैन सी गोल्डन शेड में आता है। इसका पिगमेंटेशन भी हम देख लेते हैं, आप इसका पिगमेंटेशन देख ही सकते हो गाइस, बहुत ही प्यारा। लिक्विड हाइलाइटर्स हमेशा हमारे पास होना ही चाहिए, अगर आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में और आपको ग्लिटर आई मेकअप करना है तो इस तरीके के जो लिक्विड आईलाइनर्स है ना ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। अब मैं 02 शेड, ये सिल्वर कलर का है, इसका भी आपको दिखा देती हूँ, पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, आई थिंक कैमरा इतना खास तरीके से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे 03 शेड, और 03 भी हम चेक कर लेंगे, काफी खूबसूरत शेड है ये, मेटालिक काइंड ऑफ, कैमरा बराबर कैप्चर नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये ग्लिटरी शेड है, काफी सुंदर है। अब हम यूज करके देखेंगे लास्ट, ये है 05 शेड रोज गोल्ड, रोज गोल्ड ऑल टाइम फेवरेट, यू कैन सी गाइज कि चारों के चारों जो आई शेडो है ना लिक्विड आई शेडो ये काफी पिगमेंटेड है, और जब हम इसे कट क्रीज पे वगैरह अप्लाई करते हैं ना तो ये काफी सुंदर लगते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ आपको मिल जाएगी 4 इयर्स के लिए, और ये आपको 199 इसका MRP लिखा हुआ है। सेल में हमेशा जो प्राइजेस है अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो ये चारों के चारों जो शेड है ना ये काफी अच्छे हैं और हमेशा हमें यूज में आने ही वाले हैं। इंडियन वियर पे हम हमेशा गोल्ड टच वाले ड्रेसेस पहनते ही है, सिल्वर भी हमेशा काम आता है, मेटालिक कलर, रोज गोल्ड कलर, ये सारे चारों के चारों जो है ना ये हमारे इंडियन स्किन टोन के लिए, हमारे आउटफिट के हिसाब से मुझे परफेक्ट लगी, इसलिए मैंने ये चारों के चारों ऑर्डर किया है। बहुत ही अच्छे है, पिगमेंटेड है, आपने पिगमेंटेशन देखा ही है, और मैंने अपने आई मेकअप पे भी इसका कट क्रीज किया है 02 शेड डायमंड डस्ट यानी सिल्वर कलर का यूज करके, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा कट क्रीज दिख रहा है, उभर के आ रहा है, बहुत ही सुंदर है। तो इसे भी अगर आपको खरीदना है तो इसकी परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोनों प्रोडक्ट आपको कैसे लगे, आपके लिए यूजफुल है या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों भी प्रोडक्ट्स की लिंक मिल जाएगी, लिंक पे जाके उसे परचेज कर सकते हैं। वीडियो आपको कोई भी रीजन पे पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।